हो गए। उन्होंने उसके बाद उन्होंने बात ही नहीं की, जो उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा हुआ है उसने बात ही नहीं की, अंदर बैठे हुए हैं, लिख के नहीं देना जी आपकी सिक्योरिटी। तो आप चाहते हैं कि जो मेरे जानसार हैं साथ मेरी पार्टी के, उनको आप हटा दें और फिर आप मुझे जो है वो खीरा समझ के काटें जहां पे आपका दिल करे। इतने पागल हम नहीं हैं, मुझे पता है मैं खटकता हूं, यू नो कांटे की तरह दिले यजदा में, मुझे पता है आपको मेरी कितनी तकलीफ है। इसलिए आपको अगर मूसा गिलानी के साथ रेंजर की सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही मुल्तान में, तो आपको यहाँ पर जो एफसी नहीं है वो भी नज़र आ रही है। ये कौन से मुक्कल हैं जो आपको ये सब कुछ दिखा रहे हैं? ये कौन से जिन और देव हैं जो आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं? मूसा गिलानी के साथ तो वीडियो फुटेज है कि वहाँ पर रेंजर फिर रही है, यहाँ पर तो मेरे पास एफसी नहीं है। तो आप एफसी को यहाँ बना रहे हैं, तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा अपने सारे तर्ज अमल को। हम ये सब कुछ अपने जहनों के ऊपर लिख रहे हैं, जो ये डीसीओ साहब कर रहे हैं, जो ये डीपीओ साहब कर रहे हैं, इन तमाम की तमाम कार्रवाइयां हम लिख रहे हैं अपने जहन पे। आपको कानून के मुताबिक हिसाब देना पड़ना है, आपको जवाब देना पड़ना है जो आप आज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आखिरी बात अपनी आवाम से दोबारा करता हूँ, आप तमाम कहते हैं पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए, आप तमाम कहते हैं पाकिस्तान एक गैरतमंद मुल्क है, आप तमाम कहते हैं कि पाकिस्तान को अक्वामे आलम के अंदर गैरत की अहमियत की जगह मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आज आप अपने सोफे पे बैठे रहे, अगर आज अपनी मंजी पे बैठे रहे, अगर आज आप अपनी पीढ़ी पे बैठे रहे और सिर्फ आपने टेलीविज़न देखा, तो फिर आप इस काबिल नहीं है कि आपके मुल्क को इज़्ज़त और गैरत वाली ज़िंदगी मिले। आप सिर्फ इस चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते, गैरत पाकिस्तान की गैरत खुदमुख्तारी और सालमियत की हिफाजत करने का ठेका अकेले इमरान खान ने नहीं लिया हुआ, करप्शन के साथ लड़ने का ठेका अकेले इमरान खान ने नहीं लिया हुआ, आप सबका हमारे सबका रोल है ये। आज जो घरों में बैठे हैं, चंद घंटे रह गए, निकलें बाहर और वोट डालें, जिधर आपका ज़मीर कहता है वहाँ वोट डालें। आपका ज़मीर कहता है इन चोरों को वोट डालना है, इन चोरों को डालें। आपका ज़मीर कहता है आपने एक खुददारी वाले लीडर को वोट डालना है जिसने आपके आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दफ़ा जानदार तरीके से हुर्मत की हफाजत करने की कोशिश की, आपने उसको वोट डालना है, उसको डालें। आपने वोट डालना है जिसने अक़वामे मुत्तहिदा में जाके कश्मीर का मसला उठाया, पाकिस्तान की गैरत का मसला उठाया, जिसने वहाँ जाके ये बात की कि पाकिस्तानी कौम जो है वो दोगली पॉलिसी नहीं कहती, हमें डू मोर मत कहें। आप क्या ये चाहते हैं कि आप ऐसी चीज़ें करें हमारे साथ कि आप हमें दीवार के साथ धकेल दें कि हम कोई रिएक्ट करने की पोजीशन में ताकि आ जाएं? हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम चाहते हैं अलग वोट से पर्ची से पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आए, लेकिन अगर आप धांधली करेंगे तो फिर वोट से इनकलाब नहीं आएगा, फिर वो होगा जो श्रीलंका में हुआ। तो मैं आज पाकिस्तानियों को कहता हूं, घर में बैठे पाकिस्तानियों को कहता हूं, डरें उस दिन से, अगर हम सब चुप रहे तो यहां जंगल का कानून है, जंगल में सारे जानवर चुप रहते हैं और जिस दिन उनकी बारी आती है उन्हें उस दिन पता लगता है जुल्म क्या है। अगर आप सब चुप रहे तो बारी आपकी भी आनी है, अगर आज किसी और की आ रही है, उठ के खड़े हों। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है, ये इकबाल का मुल्क है, ये कायदे आजम का मुल्क है, ये किसी की जागीर नहीं है कि हमें डिक्टेट करे। कोई हमें कहता है 8 सीटें देंगे, कोई 10 सीटें देंगे, सीटें हमें पाकिस्तान की आवाम ने देनी है, सीटें हमें पाकिस्तान की आवाम के वोट ने देनी है। पाकिस्तान की आवाम आज वाज़े तौर पर इमरान खान के साथ खड़ी है। रिजल्ट निकलने दें ईमानदारी से, जो निकलता है वो कबूल करेंगे। लेकिन आपने तो सुबह होते ही धांधली शुरू कर दी, आपका तो वतीरा ही धांधली है। और आप इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, जुबान देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया वो। इसलिए मैं आवाम को कहता हूं, निकलें बाहर, वोट दें, इन चोरों को निकालें, वरना ये पाकिस्तान की बुनियादें हिला देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।